आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। यूक्रेन से वापस लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला, प्रधानमंत्री मोदी से पूछे सवाल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक की वायरल धमकी की बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने ममता को किया तलब। दिल्ली में 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले दो दिन हीट वेव से बच रहे। दिल्ली एयरपोर्ट से एक ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। वित्त मंत्रालय के फर्जी दस्तावेज पर बैंकों के साथ करोड़ों की धोखेधड़ी का आरोप। AICTE का बड़ा फैसला, 12वीं में बिना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ले सकेंगे दाखिला। सड़क दुर्घटना में मामले में मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा पीड़ित के शारीरिक या मानसिक नुकसान की भरपाई धन से संभव नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा देश ने दवा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया कदम। राजनाथ सिंह ने इजराइल के रक्षा मंत्री से की बात, आतंकी हमले पर जताया शोक, कहा आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी बोले चुनौतीपूर्ण हालात में सुरक्षा पर जोर जरूरी। अमेरिकी बम किट से लैस हो स्वदेशी लड़ाकू विमान, तेजस बनेगा अधिक मारक, मजबूत होगी भारतीय वायुसेना। श्रीलंका को हर मुसीबत से बचाने में जुटा भारत, दवा और चिकित्सा सामग्री की किल्लत से जूझ रहे अस्पतालों को दी जाएगी मदद। भारत से संपर्क साधने में जुटा कूटनीतिक खेमा, रूस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के अलावा अमेरिका के डिप्टी एनएसए भी आएंगे इंडिया। पीएम मोदी बोले अत्याचार और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाए सिस्टम से, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोगों को होना पड़ेगा जागरूक। पंजाब में 87% ड्रग्स आरोपित फरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की नई सरकार को तत्काल जरूरी कदम उठाने को कहा। देवरिया में प्राइम टीवी की खबर का हुआ असर, मिट्टी रखने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटा में चलती बस से कूदी युवती, बीते 4 महीने से लापता थी युवती। फरुखाबाद में घरवाली बाहरवाली के चक्कर में फंसा दरोगा, दरोगा की पत्नी और प्रेमिका के बीच हुई मारपीट, दोनों की बीच सड़क पर हुई मारपीट। गोरखपुर में सैनिक की मौत पर हुआ हंगामा, हंगामे के बाद एक्शन में खाकी।
कन्नौज में युवक पर चाकू से हुआ हमला, पुलिस ने घायल को कराया भर्ती। कन्नौज में किशोर को बंधक बनाकर किया कुकर्म, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, नगर निगम की टीम पर हमला। कानपुर के प्रोफेसर की तकनीक को भारत सरकार से कराया पेटेंट, अब दुश्मन हैक नहीं कर सकेंगे ड्रोन। हरदोई में इसरो के वैज्ञानिक की पत्नी को बंधक बनाकर 20 लाख की लूट, गर्भवती को पेट पर मारी लात। महिला थाना की तर्ज पर अब यूपी के सभी जिलों में बाल मित्र थाना, बगैर वर्दी में रहेंगे पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम ने तोड़ा शतक, आम आदमी पर महंगाई का सीधा असर। यूपी में हर पुलिसकर्मी को मिलेगा आवास, 3000 और पिंक बूथ स्थापित करने की योजना पर विचार। योगी सरकार 2.0 में विभागों के बंटवारे के बाद अब कई मंत्रियों की परीक्षा, काम की कसौटी पर कदम। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से की शिकायत, तो पीड़ित को तत्काल मिली मदद, निजी अस्पताल ने लौटाया पूरा पैसा। जय श्री राम और जय समाजवाद की गूंज के बीच योगी आदित्यनाथ और अखिलेश समेत विधानसभा के 402 सदस्यों ने ली शपथ। लेखानुदान में चुनावी घोषणाओं को मूर्त रूप देने की पहल, अब धामी सरकार के पूर्ण बजट में दिखेंगे नई संकल्प। शपथ ग्रहण के सातवें दिन हुआ बंटवारा, मुख्यमंत्री धामी के पास सबसे ज्यादा 23 विभागों की जिम्मेदारी। एक घंटे के मौन उपवास पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। आईआईटी रुड़की के विज्ञानी ने ईजाद की तकनीक, प्लास्टिक कचरे से बनाया ब्लॉक और टाइल, इससे लागत के साथ साथ प्रदूषण में भी होगी कमी। रामझूला बाजार में हुई फिल्म गुड बॉय की शूटिंग, अमिताभ बच्चन को देखने के लिए उमड़ी भीड़। हरिद्वार में गंगा आरती को देख अभिभूत हो गए थे ऑस्कर विजेता विल स्मिथ, कहा था अपनी आंखों पर नहीं हो रहा यकीन। मध्य प्रदेश से ज्योतिर्मठ पहुंचा 500 किलो वजनी स्फटिक मणित रत्न यंत्र, नवरात्र में होगा 1000 कन्याओं का पूजन। 20,000 लीटर से ज्यादा पानी की खपत पर फिक्स चार्ज के साथ अब देने होंगे अतिरिक्त 11 रुपए। बिजली दर बढ़ोतरी पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का मंथन, अंतिम दौर में जारी हो सकता है नया टैरिफ। नैनीताल जिले में बन रहा है पहला सिटी फॉरेस्ट, बाघ से सुरक्षा के भी इंतजाम।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र 2022 में लोगों को सीमांत जिले में बसाएगी सरकार, हिम प्रहरी योजना बनेगी सहायक। उत्तराखंड विधानसभा प्रथम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ आगाज, लोकतंत्र की हत्या बताकर विपक्ष के वॉकआउट के साथ सदन स्थगित। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पारित किया 67.22 करोड़ का बजट, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। महंगे पड़े बड़े बोल अकील की कांग्रेस से छुट्टी, निष्कासन से आक्रोश, कहा अब तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर रहेंगे। अब पिथौरागढ़ में 72 सीटर हवाई जहाज उतारने की तैयारी, सर्वे के लिए 22 लाख रुपए स्वीकृत। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए फिर आ गया या भारत, दगा दे गया चीन। रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने कहा रूस के हमले से यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट का कामकाज प्रभावित नहीं। अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले सकता है रूस, यूएस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में बोरोटोक मानवीय सहायता पहुंच की मांग को लेकर दोहराया। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खोला इमरान खान की पोल, कहा पीटीओ सदस्यों के खिलाफ सबूत देने वाले लिखित पत्र से हूं अनजान। कोरोना से फिर टेंशन में आई दुनिया, चीन के शंघाई शहर में 2 साल बाद लगा सबसे बड़ा कोरोना लॉकडाउन। जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले यूक्रेन के लोग अनाड़ी नहीं। पाकिस्तान में राजनेताओं को निशाना बना रहे 3 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्रदूत का दावा जंग में रूस ने 17,000 सैनिकों को खोया, इतने टैंक और प्लेन हुए नष्ट। साउथ कोरिया में कोरोना संक्रमण में तेजी से दहशत, 4.25 लाख नए मामले आए सामने, 432 मरीजों की हुई मौत। इमरान खान सरकार से समर्थन वापस लेगी प्रमुख सहयोगी दल MQM, बिलावला का दावा है अल्पमत में इमरान खान सरकार। इमरान पर फिर आक्रामक हुई मरियम, कहा पीएम का सत्ता बचाने के लिए झूठी साजिशों का ढोंग, देश की सुरक्षा के लिए खतरा। इमरान खान का बड़ा दाव, अपने सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने के लिए कहा, दल बदल कानून से बागियों को घेरने की कोशिश। और रूसी अरबपति का सुपर यॉट लंदन में जब्त, ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ने कहा यह पुतिन और उनके साथियों को स्पष्ट चेतावनी। इसराइल में गोलीबारी के कारण 5 लोगों की मौत, पिछले एक हफ्ते में तीसरी वारदात, पीएम ने दिए सख्ती से निपटने के आदेश। पुर्तगाल ने नॉर्थ मैसिडोनियो को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, ब्रूनो ने किया कमाल।
रोनाल्डो ने संन्यास लेने पर दिया बयान, नॉर्थ मैसेडोनियो मैच को जीवन मरण वाला मुकाबला बताया। हार के बाद कप्तान केन विलियमसन को एक और झटका लगा, 12 लाख का फाइन। शुभमन गिल को सहवाग ने लताड़ा, कहा क्या ऐसा शॉट में तेंदुलकर या फिर गंभीर खेल सकते थे। विराट कोहली ने कहा अगर खिताब जीतते हैं तो एबी डिविलियर्स को लेकर भावुक हो जाऊंगा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पद छोड़ने की सलाह, वेस्टइंडीज में मिली 10 विकेट की करारी हार, गवाई सीरीज। बाबर आजम अगर आईपीएल में खेलते हैं तो उन्हें 15 से 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, शोएब अख्तर ने बताया। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में मिताली पहुंची छठे स्थान पर, तो झूलन को भी हुआ फायदा। ट्रेविस हेड ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे में लगाए सबसे ज्यादा और तेज शतक। सचिन तेंदुलकर ने कहा शेन वॉर्न कड़े प्रतिस्पर्धी थे और वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हराया, एडन मार्करम की 50 नहीं दिला सकी जीत। शून्य पर आउट हुए जोस बटलर, लेकिन नहीं लौटना पड़ा पवेलियन, भुवनेश्वर से हो गई बड़ी गलती। बीसीसीआई ने आईपीएल मीडिया अधिकार के लिए निविदा जारी की, 50,000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद। संजू सैमसन आईपीएल में राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, शेन वॉटसन का रिकॉर्ड तोड़ा। ग्रीन प्लाई ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए पेश किया अनूठा गीत। बॉन्ड जारी करके 12,000 करोड़ रुपए जुटाएगा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के निर्देशक मंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। सरकार ने अरहर और उड़द दाल आयात अगले साल तक टैक्स फ्री किया। तेल की कीमतों में फिर लगी आग, 1.2% तक बढ़े तेल के दाम। सरकार ने किसानों को दी राहत, आगे बढ़ाई ई केवाईसी की आखिरी तारीख। सिटी ग्रुप पर रिटेल कारोबार, 18,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा एक्सिस बैंक, जल्द होगी डील। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट से कहा 100 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य बनाए। शेयर बाजार की शानदार बढ़त पर शुरुआत, सेंसेक्स 58,300 के पास, 17,400 के ऊपर खुला निफ्टी।
भारत में बैंक स्कैम के चलते हर रोज हुआ 100 करोड़ रुपए का नुकसान। महाराष्ट्र बैंक घोटाले के मामले में नंबर वन पर रहा। हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल और स्कूटर होंगे महंगे, कीमतों में बदलाव 2000 रुपए तक होगा। सरकार ने दी लोगों को बड़ी राहत, कोरोना कवच पॉलिसी की डेडलाइन सितंबर तक बढ़ाएगी, मिलेगा कई फायदा। एक अप्रैल 2022 से पैन के साथ आधार लिंक करने पर लगेगा पेनल्टी, सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। आदित्य पुरी ने पेटीएम के कारोबारी मॉडल पर उठाए सवाल, कहा कैशलेस के जरिए कंपनी ने ग्राहक जोड़े, वित्तीय सेवाएं देकर नहीं। सरकार ओएनजीसी ने भी बेची हिस्सेदारी, जल्द होगी शेयर की बिक्री। रुचि सोया एफपीओ का इश्यू प्राइस जल्द होगा तय, जल्द होगी बोर्ड की बैठक। वित्त मंत्री ने कहा मोदी सरकार के शासनकाल में यूपीए सरकार के मुकाबले आया 65% ज्यादा विदेशी निवेश। विल स्मिथ के थप्पड़ मारने पर अब मां ने दिया बयान, मैंने उसे ऐसा कभी नहीं देखा था। दिया मिर्जा ने अपनी सौतेली बेटी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, लिखा दिल छू लेने वाला नोट। आलिया भट्ट बनी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस, सलमान शाहरुख को भी पछाड़ा। सामंथा प्रभु ने पूरा किया टाइगर श्रॉफ का अटैक चैलेंज, एक्ट्रेस ने अब बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर को किया नॉमिनेट। खतरों के खिलाड़ी के बाद चमकी श्वेता तिवारी की किस्मत, अब मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के प्रोजेक्ट में करेंगी काम। जॉन अब्राहम ने रोबोट के साथ किया अटैक का प्रमोशन, सुपर सोल्जर बन खेला बैडमिंटन। यश ने खुद लिखे हैं रॉकी भाई के दमदार संवाद, निर्देशक प्रशांत नील ने किया खुलासा। महज 9 साल की उम्र में पलक मुच्छल का रिलीज हुआ था पहला एल्बम चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन, आज है इंडस्ट्री की टॉप सिंगर पलक का है आज जन्मदिन। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में नजर आएंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, परिणीति चोपड़ा को किया रिप्लेस। सरोजनी नायडू की बायोपिक में शांति प्रिया ने ली दीपिका चिलखलिया की जगह, बोली कसर नहीं छोड़ी। तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।